साहेबपुर में घटित घटनाक्रम और रीवा में हुई घटना के बाद शासन के निर्देश पर प्रशासन इन दिनों पूरी मुस्तैदी से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कमर कस मैदानी मोर्चा संभाले है और जर्जर अवस्था वाले मकानों को चिन्हित कर उनके भूस्वामी को नोटिस तलब कर मकानों को गिराने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में सागर में भी नगर निगम प्रशासन की अलग अलग टीम लगी हुई है जिनके द्वारा मैदानी आकलन के बाद लगभग 2 सैकड़ा जर्जर मकानों को चिन्हित किया गया है जिन्हें लगातार नगर निगम के अतिक्रमण दल के द्वारा गिराए जाने का क्रम जारी है। अब तक 2 दर्जन मकानों को अभियान के तहत गिराया गया है। अभी प्रेजेंट में जो जर्जर भवन जो है नगर निगम ऑफिस से और महापौर कार्यालय से माननीय आयुक्त के निर्देश अनुसार जर्जर भवनों की सूची 217 कुछ की सूची मिली है, उसमें से 12 या 13 मकान जर्जर थे जो गिरा दिए गए हैं, बाकी कार्रवाई जारी है। उस जगह पर आप जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह की जो स्थिति निकलती है, वो समय सीमा भी मानते हैं, तो क्या इसमें निर्देश प्राप्त हुए? नोटिस पहले दे चुके हैं नगर निगम द्वारा, 2-3 दिन पहले नोटिस जारी हो चुके हैं। अगर वो कागज उससे खाली नहीं कराते हैं या अपने व्यय से वो खाली नहीं कराते तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई करके वो व्यय और मकान मालिक को खुद भरना पड़ेगा और नगर निगम द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है? राजू रायकवाड़।